हेलो स्टूडेंट, एबीसी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 को क्या दिया है क्वेश्चन, किस प्रकार से उसको हल करेंगे, कैसे उस क्वेश्चन को आंसर के करीब जाएंगे, कृपया आप लोग हमारे साथ बने रहे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हम लोग क्या दिया है कि साइन 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया, 4 दिया है। यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर हाल लिखते हैं, इसमें क्या दिया है वो पहले लिखते हैं। दिया है क्या, दिया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया, 4 दिया है। देखिए, 7 साइन स्क्वायर को यहाँ पर 3 और 4 के डिजिट टू देते हैं, तो यह हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 4 है। माई प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, चलो 4 कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 4। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 4 में स्थिर जाएगा क्या हो जाएगा, केवल कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, 4 में स्थिर जाएगा तो कितना 1 ही ना बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो जाएगा, ये इधर ये इसको चाहे तो 1 गुणे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा। ये गुणा में है इधर जाएगा तो क्या भाग में हो जाएगा 1/3 के, तो साइन स्क्वायर बटा कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बड़ा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। या तो हम लोग टेन थीटा का देख लीजिए, यहाँ पर टेन थीटा का मान दिया है, तो टेन थीटा यहाँ पे स्क्वायर है देखा जाएगा तो क्या रूट अंदर हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। या मैं कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का टेन थीटा पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। ये हम लोग का क्या बोला है, राइट आंसर है।